बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज ईडी के संबंध पर पेश नहीं हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद तेजस्वी यादव हाल के दिनों में तीसरे विपक्ष के नेता हैं या इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं जिन्होंने ईडी के संबंध पर पेश होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। ये एक सहज संयोग है या इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा, इसके बारे में तो अभी किसी ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव को ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में समन किया था। हालांकि इस मामले में अप्रैल महीने में ईडी ने उनसे 8 घंटे की पूछताछ की है और इसके बाद ये दूसरी बार उन्हें समन भेजा गया था इस मामले में। दरअसल ये मामला है एक एके इन्फो सिस्टम का, जिस कंपनी के पास दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक घर था जो घर 2014 के बाद तेजस्वी यादव के नाम से ट्रांसफर हुआ क्योंकि वो उस कंपनी में निदेशक भी थे। हालांकि 2015 में विधानसभा चुनाव लड़ने के पूर्व उन्होंने उस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दिया था। इस मामले में पहली बार लालू यादव को भी 27 दिसंबर को समन किया गया है, जिसके संबंध में आरजेडी के नेताओं का कहना है कि लालू यादव अपने वकीलों से इस संबंध में राय विचार विमर्श कर रहे हैं और उनकी सलाह पर ही वो यह निर्णय लेंगे कि ईडी के संबंध पर उन्हें पेश होना है या नहीं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए हैं क्योंकि इससे पहले 2017 के बाद देखा यह गया है कि वो चाहे संबंध सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो या ईडी का हो, लेकिन वो हर संबंध पर उस जाँच एजेंसी के सामने पेश होते रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद भी माना है कि अब तक वो 23 बार जांच एजेंसियों के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित हुए और ये शायद पहला मौका होगा कि उन्होंने ईडी के संबंध पर ना जाने का फैसला किया। इसके पीछे की क्या रणनीति है, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि एक जो इम्प्रेशन है या एक तरह का डर है कि जांच एजेंसी खासकर ईडी के द्वारा जो है वो आज या कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव को भी जो भी मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं उनमें अब न्यायिक हिरासत में लेने की एक तरह से तैयारी हो रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से समन पर ना जाने के बाद ईडी को भी एक तरह का बड़ा आधार मिल रहा है कि इन नेताओं के खिलाफ वो आने वाले दिनों में उन्हें हिरासत में लेने की कोर्ट के सामने अपनी अर्जी पेश करे। हालांकि तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार शाम दिल्ली से लौटने के बाद इस संबंध में एक लंबी चौड़ी सफाई भी दी है और उन्होंने कहा कि ईडी से उनको कोई शिकायत नहीं है। संबंध में क्या कहिएगा कल जो ईडी ने संबंध दिया? अरे भाई, हम तो जाते रहे हैं हमेशा और ये तो रूटीन है। ऑलरेडी हम पहले भी जा चुके हैं 2017 से 23 लगातार हम गए, चाहे ईडी बुलाया हो, इनकम टैक्स बुलाया हो या सीबीआई बुलाया हो, तो हम तो जाते रहे हमेशा से। और ये तो बेचारी एजेंसी करेगी क्या, उन पे भी खामोखा जो है प्रेशर है। अब तो ये तो रूटीन हो गया है ना, हमेशा कोर्ट में डेट भी रहता है तो उसमें भी जो है वो तो रूटीन है, तो ये तो चलता ही रहेगा। और हम तो पहले ही बोले थे आप लोगों को कि भाई एजेंसी वालों की क्या गलती है जब उन लोगों पे इतना प्रेशर है। लेकिन एक बात तो तय था पहले से और ये बात सच भी हो गया हमारे कहने के बाद भी कि चुनाव खत्म होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से एजेंसियां अब जो है बिहार, झारखंड और दिल्ली में काम करेगी। तो आज तो सुनने में आया कि केजरीवाल जी का था तो है, तो लोग तो अब ये सब तो रूटीन वर्क में अब चलता रहेगा, तो इस पे ज्यादा कुछ खास नहीं।